ओम शांति। आज 19 अप्रैल 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। शुक्रिया दिवस पर हम सब दिल की गहराइयों से बाबा का शुक्रिया करते हैं जिन्होंने हमें कर्म योगी बनना सिखाया। बाबा कहते हैं, आप बच्चों को घर गृहस्थ में रहते कार्य करते हुए सच्चे कर्म योगी बनकर रहना है। कर्म सन्यासी नहीं बनना, कर्म योगी बनना है। कार्य करते हुए भी बुद्धि का सहारा एक बाप को बनाना है। कोई भी आत्मा की विशेषता गुण को देखते हुए विशेषता दाता बाबा सदा याद रहे, वही सहारा है, वही मदद करने वाला है। ऐसे सच्चे सच्चे कर्म योगी बनो। बहुत सुंदर बात आज बाबा ने सिखाई कि कोई भी बच्चे जो बाबा के पास आते हैं, ऊंच पद पाने का आधार है कि पूरे पूरे बैगर बन जाओ, अर्थात मेरा कुछ भी नहीं, ये शरीर भी मेरा नहीं, मुझे सेवा के लिए मिला है। जो भी साहूकार हैं उन्हें धन दौलत मित्र संबंधी ये भूलने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहते, तुम बच्चों को जीते जी ये सब भूल जाना है। अगर बुद्धि में ये सब याद आते रहेंगे, मित्र संबंधी धन दौलत आदि, तो सच्चे योगी नहीं बन सकते। और जो गरीब बच्चे हैं वो झट बाबा पर कुर्बान जाते हैं कि सब कुछ बाबा आपका है। निश्चय बुद्धि बच्चे ये बात जानते हैं कि बाबा स्वर्ग स्थापन करने के लिए आए हैं, तो बहुत बहुत समझदार बनना है, अपना ही तन मन धन सेवा में लगाना है। जरा भी कोई खिटखिट ना हो। जो समझू सयाने बच्चे हैं वो किसी भी खिटखिट में नहीं आएंगे। बाबा आए ही हैं हाहाकार मिटाकर जय जयकार की दुनिया में ले जाने। बहुत बातें कहकर बाबा कहते हैं, एक बात याद रखो, मन मना भव, अर्थात मुझे याद करो। हियर नो विल, सी नो विल, टॉक नो विल। इस समय तुम बच्चों को सब तरफ से बुद्धि हटाकर एक बाप में बुद्धि लगानी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं सारी दुनिया का हाहाकार मिटाकर जय जयकार करने। बाबा आए हैं सारी दुनिया का हाहाकार मिटाकर जय जयकार करने। पुरानी दुनिया में है हाहाकार, नई दुनिया में है जय जयकार। क्वेश्चन है, कौन सा ईश्वरीय नियम है जो गरीब ही बाप का पूरा वर्षा लेते हैं, साहूकार नहीं ले पाते? कौन सा ईश्वरीय नियम है जो गरीब बाप का पूरा वर्षा लेते हैं, साहूकार नहीं ले पाते? ईश्वरीय नियम है, पूरे बैगर बनो, जो कुछ भी है उसे भूल जाओ। पूरे बैगर बनो, जो कुछ भी है उसे भूल जाओ। तो गरीब बच्चे सहज भूल जाते हैं, परंतु साहूकार जो अपने को स्वर्ग में समझते हैं, उनकी बुद्धि में कुछ भूलता नहीं। इसलिए किसको धन दौलत मित्र संबंधी याद रहते तो वो सच्चे योगी बन ही नहीं सकते। अगर बुद्धि में धन दौलत मित्र संबंधी ये सब याद रहते हैं तो सच्चे योगी बन नहीं सकते, उन्हें स्वर्ग में ऊंच पद नहीं मिल सकता। ओम शांति। मीठे मीठे निश्चय बुद्धि बच्चे अच्छी रीति जानते हैं, उन्हें पक्का निश्चय है। क्या निश्चय है? बाबा आया है सारी दुनिया का झगड़ा मिटाने। शिव बाबा आया है सारी दुनिया का झगड़ा मिटाने। जो सयाने समझदार बच्चे हैं वो जानते हैं, इस तन में बाबा आए हैं जिसका नाम है शिव बाबा। क्यों आए हैं? हाहाकार मिटाकर जय जयकार कराने। मृत्यु लोक में कितने झगड़े हैं, सबको हिसाब किताब चुकतू करके जाना है। अमर लोक में झगड़े की कोई बात नहीं। यहाँ कितना हंगामा हाहाकार लगा हुआ है, कितनी कोर्ट जज आदि हैं, मारा मारी लगी हुई है। वलायत आदि में देखो हाहाकार है, सारी दुनिया में खिटखिट बहुत है। अंतिम समय है इसलिए खिटखिट बहुत है। इसको कहते पुरानी
तमोप्रधान दुनिया, किचड़ा ही किचड़ा, जंगल ही जंगल, बेहद का बाप, ये सब मिटाने के लिए आए हैं। अभी बच्चों को बहुत सयाना समझदार बनना है। अगर बच्चों में लड़ाई झगड़ा होता रहेगा तो बाबा के मददगार कैसे बनेंगे? बहुत विचारणीय बात है। अगर बच्चों का आपस में झगड़ा होता रहेगा तो बाबा ने कहा कैसे बाप के मददगार बनेंगे? बाबा को बहुत मददगार बच्चे चाहिए, सयाने समझो जिनमें कोई भी खिचखिच ना हो। ये भी बच्चे समझते, ये पुरानी दुनिया है, अनेक धर्म है, तमोप्रधान विशियस वर्ल्ड है, सारी दुनिया पतित है, पतित पुरानी दुनिया में झगड़े ही झगड़े हैं। इन सबको मिटाने, जय जयकार कराने बाबा आते हैं। हर एक जानते हैं इस दुनिया में कितना दुख अशांति है, इसलिए चाहते हैं विश्व में शांति हो। सारे विश्व में शांति कोई मनुष्य कैसे कर सकेंगे? पूरी दुनिया में शांति कोई मनुष्य कैसे कर सकेंगे? बेहद बाप बच्चों को समझाते, बच्चे अब खड़े हो जाओ, बाप के मददगार बनो। खड़े हो जाओ अर्थात जागरूक हो जाओ, अज्ञान नींद को त्यागो, बाप के मददगार बनो। बाप से अपना राजभाग लेना है, कम नहीं अथाह सुख है। बाबा कहते मीठे बच्चे, ड्रामानुसार तुम्हें बेहद का बाप पद्मा पद्म भाग्यशाली बनाने आए हैं। शिव बाबा हमें पद्मा पद्म भाग्यशाली बनाने आए हैं। भारत में लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, भारत स्वर्ग था, स्वर्ग को ही कहा जाता वंडर ऑफ द वर्ल्ड। त्रेता को भी नहीं कहेंगे, ऐसे स्वर्ग में आने का बच्चों को पुरुषार्थ करना है, पहले पहले आना है। बच्चे चाहते हम स्वर्ग में आए, लक्ष्मी नारायण बने। अब इस पुरानी दुनिया में बहुत हाहाकार होनी है, रक्त की नदियाँ बहनी हैं। रक्त की नदियों के बाद होती हैं घी की नदियाँ, उसको कहते क्षीर सागर। ये भी बड़े तालाब बनाते, फिर कोई दिन मुकर्रर होता तो आकर उसमें दूध डालते हैं, फिर उससे स्नान करते हैं, शिवलिंग पर भी दूध चढ़ाते हैं। सतयुग की भी एक महिमा है, वहाँ दूध घी की नदियाँ हैं। ऐसी कोई बात नहीं, हर 5 वर्ष के बाद तुम विश्व के मालिक बनते हो। इस समय तुम गुलाम हो, फिर तुम बादशाह बनते हो, सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम बन जाती। वहाँ कभी बेकायदे बरसात नहीं पड़ती, उछल नहीं खाती, प्रकृति आपके गुलाम होती है, आपकी सहयोगी होती है। कभी बेकायदे बरसात नहीं पड़ती, नदियाँ उछल नहीं खाती, कोई उपद्रव नहीं होता। यहाँ देखो कितने उपद्रव हैं, वहाँ पक्के वैष्णव रहते, विकारी वैष्णव नहीं। यहाँ कोई वेजिटेरियन बना तो उसको वैष्णव कहते हैं, परंतु नहीं, विकार से एक दो को बहुत दुख देते। बाप कितना अच्छी रीति समझाते। गायन भी है, गांवड़े का छोरा, श्री कृष्ण को गांवड़े का नहीं कह सकते, वो तो वैकुंठ के मालिक है ना। श्री कृष्ण जी 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, वैकुंठ के मालिक है ना। फिर 84 जन्म लेते हैं। यहाँ तुम जानते हो अभी हम भक्ति में कितना ढूंढ रहे थे। बाबा कहते तुमको इतने पैसे दिए, राजभाग दिया, सब कहाँ गया? तुम्हें विश्व का मालिक बनाया और तुमने क्या कर दिया? रियलाइज करा रहे हैं बाबा बच्चों को, मैंने तुम्हें क्या बनाया था और तुम क्या बन गए? फिर इतना धन दौलत आदि सब कहाँ किया? बाप तो ड्रामा को जानते हैं, नई दुनिया सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई बनती है, ये चक्र है, जो कुछ पास्ट हुआ फिर रिपीट होगा। बाबा कहते थोड़ा समय है, पुरुषार्थ कर भविष्य के लिए जमा करो। पुरानी दुनिया का सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। साहूकार इस ज्ञान को लेंगे नहीं, बाबा है गरीब निवाज, गरीब वहाँ साहूकार बनते हैं, साहूकार वहाँ गरीब बनते हैं। अभी पद्मपति बहुत हैं, वो आएंगे परंतु गरीब बनेंगे, वो अपने को स्वर्ग में समझते, ये बुद्धि से निकल नहीं सकता। यहाँ तो बाबा कहते सब भूल जाओ, किसी के पास धन दौलत वैभव भौतिक चीज़ें बहुत सारी हैं, सोचते हैं यही स्वर्ग है। बाबा कहते सब भूल जाओ, बैगर बन जाओ। करेंगे कुछ सेकंड के लिए अभ्यास, मेरा कुछ भी नहीं,
मैं एक ज्योति बिंदु सितारा हूँ। ये धन दौलत वैभव सब यहां से लिया, यहीं छोड़ना है। मैं बिंदु आत्मा अपने घर जा रही हूं। बाबा ने कहीं प्रैक्टिस करो, बैगर बन जाओ। कई अपने को यहां ही स्वर्ग में समझते हैं। बाबा कहते सब भूल जाओ, बैगर बन जाओ। आजकल तो किलोग्राम किलोमीटर आदि क्या क्या निकाला। जो राजा गद्दी पर बैठता वो अपनी भाषा चलाते हैं, विलायत की नकल करते हैं। अपना अकल तो है नहीं, तमो प्रधान है। अमेरिका आदि में विनाश की सामग्री में देखो कितना धन लगाते, एरोप्लेन से बॉम्ब्स आदि गिराते, आग लगनी है। बच्चे जानते बाबा आए हैं विनाश और स्थापना कराने। तुम्हारे में भी समझाने वाले सब नंबरवार हैं, सब एक जैसे निश्चय बुद्धि नहीं। बाबा के बच्चे सब नंबरवार हैं। बाबा ने कहा सब एक जैसे निश्चय बुद्धि नहीं, जैसे बाबा ने किया बाबा को फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, बाबा को पूरा पूरा फॉलो करना है। पुरानी दुनिया में पाई पैसा क्या करेंगे, आजकल कागज़ के नोट निकाले हैं, वहाँ तो सिक्के होंगे, मोहरे होंगी। सोने के महल बनते हैं तो सिक्कों का वहाँ क्या मूल्य है, जैसे कि सब कुछ मुफ्त में है। सतो प्रधान धरनी है ना, अभी तो पुरानी हो गई, वो है सतो प्रधान नई दुनिया, बिल्कुल नई जमीन। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो तो शूबिरस आदि पीते हो, परंतु वहाँ झाड़ आदि तो है नहीं, ना मूल वतन में है। जब तुम वैकुंठ में जाते हो वहाँ तुम्हें सब कुछ मिलता। बुद्धि से काम लो, सूक्ष्म वतन में झाड़ होंगे नहीं, झाड़ तो धरनी पर होते ना कि आकाश में। भले नाम है ब्रह्म महातत्व, परंतु है पोलार, जैसे स्टार में ठहरे हुए हैं आकाश में, वैसे तुम बहुत छोटी छोटी आत्माएं ठहरी हुई हो। स्टार्स देखने में बड़े होते हैं, ऐसे नहीं कि ब्रह्म तत्वों में कोई बड़ी बड़ी आत्माएं होंगी। यहाँ बुद्धि से काम लेना होता है। बाबा समझाते हैं कि जैसे सितारे आकाश में चमकते हैं, यहाँ से वो छोटे नजर आते हैं, वैसे वो बड़े होते हैं। तो आप भी समझने योग्य बात समझेंगे कि आत्मा बहुत छोटी बिंदी है और वो मूल वतन से यहाँ आती है पाठ बचाने के लिए। विचार से अगर मंथन करना है, आत्माएं ऊपर में ठहरती हैं, छोटी बिंदी हैं। ये बातें तुम्हें धारण करनी है, तब किसी को धारण करा सकेंगे। टीचर जरूर खुद जानते हैं तब औरों को पढ़ाते हैं, नहीं तो टीचर ही काहेगा। परंतु यहाँ टीचर्स भी नंबरवार हैं, तुम बच्चे वैकुंठ को भी समझ सकते हो। ऐसे नहीं कि तुमने वैकुंठ नहीं देखा, बहुत बच्चों ने साक्षात्कार किया, वहाँ स्वंबर कैसे होता है, क्या भाषा है, सब कुछ देखा। पिछाड़ी में तुम साक्षात्कार करेंगे, परंतु करेंगे वो जो योगयुक्त होंगे। साक्षात्कार वही करेंगे जो योगयुक्त होंगे। बाकी जिसको अपने मित्र संबंधी धन दौलत याद आते रहेंगे वो क्या देखेंगे। सच्चे योगी अंत तक रहेंगे, जिनको बाप देख खुश होंगे। सच्चे योगी अंत तक रहेंगे, जिन्हें देखकर बाबा खुश होंगे। फूलों का भी बगीचा बनता, बहुत तो 10-15 वर्ष रहकर भी चले जाते, उन्हें कहेंगे अक के फूल। बाबा के बने फिर छोड़कर चले गए, उन्हें कहेंगे अक का फूल। बड़ी अच्छी अच्छी बच्चियाँ जो मम्मा बाबा के लिए भी डायरेक्शन लेकर आती थी, ड्रिल कराती थी, आज वो है नहीं। ये बच्चियाँ भी जानती हैं, बाप तथा भी जानते, माया बड़ी ज़बरदस्त है। ये है माया से गुप्त लड़ाई, गुप्त तूफान। बाबा कहते माया तुम्हें बहुत हैरान करेगी, ये हार जीत का बना हुआ ड्रामा है, तुम्हारी कोई हथियारों से लड़ाई नहीं। ये तो भारत का प्राचीन योग नामी ग्रामी है, जिस योग बल से तुम ये बनते हो। भारत का योग राजयोग बहुत नामी ग्रामी है, जिससे आप देवी देवता बनते हो। बाहुबल से कोई विश्व की बादशाही ले ना सके। खेल भी वंडरफुल है, कहानी है, दो बिल्ले लड़े, मक्खन और तीसरा खा गया। कहा जाता सेकंड में विश्व की बादशाही। बच्चियां साक्षात्कार करती हैं, कहते श्री कृष्ण के मुख में माखन है, वास्तव में श्री कृष्ण के मुख में नई दुनिया देखते। योग बल से तुम विश्व की बादशाही रूपी मक्खन लेते हो। राजाई के लिए कितनी लड़ाई होती और कितने लड़ाई से खत्म होते।
इस पुरानी दुनिया का हिसाब किताब चुकतू होना है। इस दुनिया की कोई भी चीज़ रहनी नहीं। बाबा की श्रीमत है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। उन्होंने बंदरों का एक चित्र बनाया, आजकल तो मनुष्यों का भी बनाते। आगे चीन की तरफ से हाथी दांत की चीज़ें आती थी, चूड़ियाँ भी कांच की पहनते थे। यहाँ तो जेवर आदि पहनने के लिए नाक कान छेदते हैं। सतयुग में नाक कान छेद करने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ तो माया ऐसी है, सबके नाक कान काट लेती है। तुम बच्चे अब स्वच्छ बनते हो, वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है, कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत ही नहीं। सतयुग की दुनिया में नेचुरल ब्यूटी रहती, कोई चीज़ लगाने की, क्रीम पाउडर लगाने की आवश्यकता नहीं। यहाँ तो शरीर ही तमो प्रधान तत्वों से बने हैं, इसलिए बीमारियाँ आदि होती, वहाँ ये बातें होती नहीं। अब तुम्हारी आत्मा को बहुत खुशी है कि हमें बेहद का बाप पढ़ाकर नर से नारायण अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। इसलिए गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। भक्त लोग इन बातों को नहीं जानते। तुम्हारे में भी खुश रहें और इन बातों का सिमरण करते रहें, ऐसे बहुत थोड़े बच्चे हैं। ज्ञान की बातों का सिमरण करते रहें, जीवन में धारण करते रहें, खुश रहें, ऐसे बच्चे बहुत थोड़े हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। गायन है द्रौपदी का, वह सब प्रैक्टिकल में हो रहा है। द्रौपदी ने क्यों पुकारा मनुष्य नहीं जानते। बाबा ने समझाया, तुम सब द्रौपदियाँ हो। ऐसे नहीं कि फीमेल सदा फीमेल ही बनती है, दो बार फीमेल बन सकती है, जास्ती नहीं। माताएं पुकारती हैं, बाबा रक्षा करो। बाबा कहते ये है वैशाल्य, स्वर्ग को कहते हैं शिवालय। वैशाल्य है रावण की स्थापना, शिवालय है शिव बाबा की स्थापना। और तुम्हें नॉलेज देते हैं, बाप को नॉलेजफुल कहते हैं। ऐसे नहीं कि नॉलेजफुल माना सबके दिलों को जानने वाला, इससे फ़ायदा क्या। बाबा कहते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मेरे बगैर कोई नहीं दे सकता। नॉलेजफुल माना सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञाता। ऐसे नहीं कि वो एक एक के दिल को कोई जानते हैं या बैठकर देखते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, ज्ञान सागर एक ही बाप है, वहाँ है भक्ति की प्रारब्ध। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, पढ़ाई से राजधानी स्थापन हो रही है। प्रेसिडेंट आदि के देखो कितने वजीर हैं, एडवाइस देने के लिए वजीर रखते हैं। सत्यों में वजीर रखने की कोई ज़रूरत नहीं। अब बाबा तुम्हें अकलमंद बनाते। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने अकलमंद थे। बेहद की बादशाही बाप से मिलती, शिव जयंती बाप ही मनाते। जरूर शिव बाबा भारत में आकर विश्व का मालिक बना कर गए। लाखों वर्ष की बात नहीं, कल की बात है। अच्छा ज़्यादा क्या समझाऊँ। बाबा कहते मन मना भव, मन मना भव, मन ही मन मुझे याद करो। वास्तव में ये पढ़ाई इशारे की है। अच्छा मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप तथा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप तथा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, बाप का पूरा मददगार बनने के लिए सयाना समझदार बनना है। अंदर कोई भी खिचपिच नहीं होनी चाहिए। स्थापना और विनाश के कर्तव्य को देखते हुए पूरा निश्चय बुद्धि बन बाबा को फॉलो करना है। पुरानी दुनिया के पाई पैसे से बुद्धि निकाल, पूरा बैगर बनना है। मित्र संबंधी धन दौलत आदि सब भूल जाना है। अटेंशन से सुनेंगे, बाबा का पूरा मददगार बनने के लिए सयाना समझदार बनना है। अंदर कोई खिचखिच ना हो। स्थापना और विनाश के कर्तव्य को देखते हुए पूरा निश्चय बुद्धि बन बाबा को फॉलो करना है। पुरानी दुनिया के पाई पैसे से बुद्धि निकाल, पूरा बैगर बनना है। मित्र संबंधी धन दौलत सब भूल जाना है। वरदान संगठन में रहते, सबके स्नेही बनते, बुद्धि का सहारा एक बाप को बनाने वाले कर्म योगी भव। संगठन में रहते, सबके स्नेही बनते, बुद्धि का सहारा एक बाप को बनाने वाले कर्म योगी भव। कोई कोई बच्चे संगठन में स्नेही बनने की बजाय न्यारे बन जाते। डरते हैं
कहीं फंस ना जाएं, इससे तो दूर रहना ठीक है। लेकिन नहीं, 21 जन्म परिवार में रहना है। अगर डर कर किनारा करेंगे तो ये भी कर्म सन्यासी के संस्कार हो गए। अगर डर कर किनारा करेंगे तो ये भी कर्म सन्यासी के संस्कार हुए। कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। संगठन में रहो, सबके स्नेही बनो। बुद्धि का सहारा एक बाप हो, दूसरा न कोई। संगठन में रहो, सबके स्नेही बनो। बुद्धि का सहारा एक बाप हो, दूसरा न कोई। बुद्धि को कोई आत्मा का साथ, गुण व कोई विशेषता आकर्षित ना करे, तब कहेंगे कर्म योगी पवित्र आत्मा। बहुत ही घुये बात बाबा सुना रहे हैं कि कर्म क्षेत्र पर कर्म भी करना है, सबके साथ भी रहना है, लेकिन किसी का गुण या विशेषता आपको अपनी ओर आकर्षित ना करे। अपितु ये स्मृति रहे कि प्रभु देन है, परमात्म देन है। बुद्धि को कोई आत्मा का गुण विशेषता साथ आकर्षित ना करे, तब कहेंगे कर्म योगी पवित्र आत्मा। स्लोगन है, बाप दादा के राइट हैंड बनो, लेफ्ट हैंड नहीं। बाप दादा के राइट हैंड बनो, सदा सहयोगी बच्चे बनो, लेफ्ट हैंड नहीं। आज हम याद करेंगे, मैं कर्म योगी आत्मा हूँ। दिल से बाबा का शुक्रिया करते, दिल के कोने कोने से आवाज़ आती रहे, बाबा आपका शुक्रिया, आपने हमें कर्म योगी बनाया। अपने आप को इस कर्म क्षेत्र पर कमल पुष्प में बैठा हुआ कर्म योगी अनुभव करें। बाबा ने मुझे कर्म करते हुए न्यारे प्यारे रहने का ज्ञान दिया। किसी की कोई भी विशेषता या गुण है, ये परमात्म देन है। इस परमात्म देन के लिए शुक्रिया। मुझे अपनी बुद्धि को कहीं भी यहां वहां फंसाना नहीं। बुद्धि का सहारा एक सर्वशक्तिवान को बनाना है। बाबा से शक्तियां आ रही हैं, मुझ में समा रही हैं। मैं कर्म योगी आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। Shut